पासपोर्ट कंपनी ने रख लिया है भाई, मेरे पासपोर्ट कंपनी नहीं दे रही, मैंने जाना है घर वापस, पासपोर्ट कैसे मिलेगा? मैं आप लोगों को एक सिंपल एक चीज़ बता देता हूँ भाई मेरे, आप लोग ये बार बार क्वेश्चन करते हैं कि पासपोर्ट कंपनी रख सकती है नहीं रख सकती, मैं रीज़न भी बता देता हूँ कंपनी पासपोर्ट क्यों रखती है और पासपोर्ट रखना इलीगल क्यों है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। बाय लॉ अगर जाते हैं ना, बाय लॉ आप जाएँ, फरवरी 2022 का जो लॉ आया है ना उसमें भी बड़ी क्लियरली ये चीज़ मैंशन की हुई है कि भाई जो पासपोर्ट है ना, वो जो आप लोग हैं ना, आप लोगों की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो ये पर्सनल प्रॉपर्टी कभी भी कोई कंपनी अपने हैंड ओवर नहीं कर सकती। लेकिन होता क्या है, नॉर्मली जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाते हैं ना, सबसे पहले क्या चीज़ डिमांड की जाती है, भाई अपना पासपोर्ट सामने रखें। एक तो होता है कि पासपोर्ट लिया जाता है कि भाई हमने वीज़ा प्रोसेस करना ये करना है, क्योंकि नया बंदा आया होता है ना, उन्हें नहीं पता होता कि पासपोर्ट दिए बगैर भी वीज़ा सिस्टम सब कुछ लग जाता है, आपके एम्ब्रेस आईडी बन के आ जाते हैं। लेकिन वो नए नए लोग होते हैं, उनको पासपोर्ट ले लिया जाता है और फिर वो पासपोर्ट दिया वापस नहीं जाता, वो पासपोर्ट जाता है कंपनीज के लॉकर्स के अंदर, ठीक है। अब कंपनीज ऐसा करती क्यों है, ये होती है कि इंटरनल पॉलिसी होती है और एक एक्सटर्नल लॉ पॉलिसी होती है। एक्सटर्नली देखा जाए तो भाई ये बाय लॉ के खिलाफ है कि कोई भी कंपनी आपका पासपोर्ट रख सके, लेकिन इंटरनल पॉलिसीज कंपनी ने क्यों बनाई होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अगर आप चाहें इसके ऊपर एक्शन लेना तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं, बट आप लोग नहीं लेंगे। कंपनी इसलिए बनाती है क्योंकि जब ब्लू कॉलर्स को हायरिंग की जाती है ना, और आप जैसे जंतर मंतर लोगों को जब हायरिंग की जाती है ना, जो सियाणे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उन्होंने करना क्या होता है, पहले एक जॉब ज्वाइन करते हैं, फिर वो कहते हैं ना बंदर किला का भी खेला है, जंपे मारते फिरते हैं, तो वो वाला हिसाब होता है कि आप एक जॉब से दूसरे पे जंपे करते हैं। उन लोगों ने अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी के लिए जो है ना पासपोर्ट रखे होते हैं, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि भाई मेरे कि आपको लगाम दे के रखी हुई है, ठीक है। अगर आपने वो कहते हैं ना कि अभी मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आपको जो कहते हैं ना प्रोबेशन पीरियड में भागने का बहुत शौक होता है, तो उसके ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन बाय लॉ अगर आप चाहते हैं ना कि कंपनी के ऊपर एक्शन लें, तो आप जा सकते हैं भाई मिनिस्ट्री ऑफ लेबर चल जाएं, MORH ये जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करें, ऑनलाइन कंप्लेंट डाल दें, कंपनी पासपोर्ट तो दे देगी लेकिन सर घर की वापसी की यात्रा भी फिर करवाएगी, मेरी बात समझे हैं। लेकिन इलीगल है, कंपनी पासपोर्ट नहीं रख सकती। अगर आप स्टैंड करें तो आप कंपनी से पासपोर्ट ले भी सकते हैं, लेकिन उसको करने के लिए आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस चाहिए, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसलिए कंपनी तो डिमांड करेगी पासपोर्ट रखने की, अब आपके ऊपर है भाई मेरा देना है तो दें, नहीं देना तो इट मीन्स के अगर कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी तो जॉब भी जा सकती है। तो कहते हैं ना कंप्रोमाइज़ करने के लिए हमें करना पड़ता है, ये कंप्रोमाइज़ वाली जो पॉलिटिक्स है ना जब चलती रहेगी ना, तब तक कंपनी पासपोर्ट रखती रहेगी। आई होप बात समझ आई होगी, जितने भी भाई लोगों के क्वेश्चन पासपोर्ट से रिलेटेड ना, क्योंकि होता ही है कि आपके पास पासपोर्ट होगा ना तो आप तो ट्रैवल किसी टाइम भी कर सकते हैं ना, किसी टाइम भी वो कहते हैं ना चूना सिस्टम लगा के यहाँ पे घर वापस, बात समझे कि नहीं, वो कैंसिल करना वीज़ा निकालना वो तो बाद की बात है ना। आई होप बात समझ आ गई होगी, मैच्योर बंदे हैं आप लोग, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।